शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड बाय एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। ये शो फिलहाल इंडिया में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। इसे देखने के लिए बहुत जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अगर ऑफिशियल रिलीज से पहले एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, जब ऑफिशियल रिलीज होगा तब आके देख लेना। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। रीसेंट सुसाइड स्क्वाड मूवी के एंड में ब्लड स्पोर्ट ने पीसमेकर की गर्दन में गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया था। उस इंसिडेंट के 5 महीने बाद पीसमेकर AKA क्रिस्टोफर स्मिथ अब पूरी तरह से रिकवर हो गया। स्मिथ ये देखकर हैरान था कि इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी हॉस्पिटल इसे सीधा जेल भिजवाने की बजाय डिस्चार्ज कर रहे थे। इसकी सजा अभी बाकी थी। पूरी तरह से कंफ्यूज स्मिथ फटाफट अपना आइकॉनिक यूनिफॉर्म पहनकर उसके घर यानी इस ट्रेलर में वापस आ गया। डिस्चार्ज के टाइम स्मिथ के पास फूटी कौड़ी नहीं थी तो इसने कैंप वाले को पैसे की बजाय अपना हेलमेट दे दिया। ट्रेलर में बैक एंट्री मारते ही स्मिथ ने देखा कि विजयनांडी नाम एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर हीरो ने उसे ढेर सारे वॉइसमेल भेजे थे। इस बंदे के बारे में हम आगे बात करेंगे। स्मिथ को लग रहा था कि शायद सिस्टम के किसी लूप होल की वजह से वह आजाद हो गया, बट ऐसा नहीं था। स्मिथ की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही आर्गस के एजेंट क्लिमसन मर्न की टीम ने स्मिथ को चारों तरफ से घेर लिया। स्मिथ के पास बस दो ऑप्शन थे, या तो ये मर्न के प्रोजेक्ट बटरफ्लाई मिशन में शामिल हो जाए या फिर बेलरिव्यू जेल वापस जाकर अपनी बची हुई सजा पूरी करे। स्मिथ ने मर्न का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। स्मिथ के अलावा मर्न की टीम में 3 और लोग शामिल थे, एमिलिया हारकोन जो कि स्मिथ पर नजर रखेगी, जॉन इकोनॉमिस यानी इनकी टीम का हैकर, और हाल ही में ज्वाइन हुए नौसिखिया एजेंट लियोटा एडबायो बाकी के मिसेलियस काम करने। पीसमेकर का बस एक ही काम होगा, मन जिस टारगेट का नाम देगा उसे एलिमिनेट करना यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। एजेंट मन ने स्मिथ को बताया कि वो सीधा अमांडा वेलर को रिपोर्ट करता है। अगर मिशन के दौरान स्मिथ ने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ये स्मिथ के सर में लगा बॉम्ब उड़ा देंगे। अगर मेमोरीज को फिर से रिफ्रेश करना है तो पहले जाकर फटाफट सुसाइड स्क्वाड 2021 का रिकैप देख लेना। अगली मीटिंग में जाने से पहले स्मिथ उसके पापा ऑगी से मिलने चला गया, एक नंबर का रेसिस्ट आदमी। अपने जवानी के दिनों में ऑगी व्हाइट ड्रैगन सुपर विलन के नाम से जाना जाता था, व्हाइट सुप्रीमेसी को सपोर्ट करने वाला व्हाइट ड्रैगन। एनीवेज, ऑगी ने घर के अंदर एक क्वांटम फोल्डिंग स्टोरेज रूम बना के रखा था यानी बैट केव अल्ट्रा प्रोमैक्स, इट्स बिगर ऑन द इनसाइड। इस सीक्रेट बेस में पीसमेकर के हेलमेट, कॉस्ट्यूम और गैजेट्स के साथ साथ ढेर सारे हथियार वगैरह रखे थे। स्मिथ ऑगी के घर से नया कॉस्ट्यूम, हेलमेट और अपने पालतू ईगल ईगली को लेकर मर्न की टीम से मिलने चला गया। यहाँ एक और बात साफ हो गई कि स्मिथ और ऑगी की आपस में जरा भी नहीं पड़ती। चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से स्मिथ कॉन्स्टेंटली अपने रेसिस्ट पापा को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ था, बट ऑगी को स्मिथ के फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% सुपर विलन मटेरियल है। टीम डिनर के दौरान मर्न ने स्मिथ को मिशन से रिलेटेड टॉप सीक्रेट फाइल और नेक्स्ट टारगेट की डिटेल्स दिए। स्मिथ इस टॉप सीक्रेट फाइल को घर ले जाने के बजाय हारकोर्ट का पीछा करते हुए एक बार में घुस गया। हारकोर्ट से कोई भाव न मिलने पर स्मिथ बार में खड़ी दूसरी लड़की के साथ उसके घर चला गया। फिर हमने देखा कि टीम की नौसिखिया मेंबर एजबायो अमांडा वेलर की बेटी है। बाकी किसी पर भरोसा ना होने की वजह से अमांडा ने जानबूझकर अपनी ही बेटी को प्रोजेक्ट बटरफ्लाई का हिस्सा बनाया था। दूसरी तरफ स्मिथ उस बार वाली लड़की के साथ रेसलिंग खेलकर मस्त डांस वांस कर रहा था कि तभी अचानक उस लड़की ने स्मिथ पर हमला कर दिया। स्मिथ जल्दी समझ गया कि यह लड़की एक पावरफुल मेटा ह्यूमन है। स्मिथ ने किसी तरह नए हेलमेट में लगे सोनिक बूम की मदद से उस मेटा ह्यूमन की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस की वहां आने से पहले स्मिथ ने हारकोर्ट को कॉल करके सारी कहानी बता दी। हारकोर्ट और एडबायो स्मिथ को पिक करने अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे, बट स्मिथ उस लड़की के अपार्टमेंट से इंटरेस्टिंग चीजें चुराने में बिजी था। स्मिथ टॉप सीक्रेट फाइल समेत कुछ म्यूजिक रिकॉर्ड्स और ये अजीब से दिखने वाले डिवाइस को गठरी में बांधकर अपार्टमेंट से बाहर आ गया, बट पुलिस ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी थी। स्मिथ एक कपल को बंदी बनाकर उनकी बालकनी से नीचे कूद गया। 3-4 निहायत ही पेनफुल सुपर हीरो लैंडिंग्स के बाद स्मिथ और ईगली किसी तरह हार्डकोर की गाड़ी में बैठकर भाग गए। पुलिस से तो बच गए, बट स्मिथ क्राइम सीन पर अपनी गाड़ी और ढेर सारे फिंगरप्रिंट्स छोड़कर आया था। लकीली इकोनॉमस फिंगरप्रिंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसे मतलब अपने हैकिंग स्किल्स दिखाकर पुलिस के सिस्टम से स्मिथ के फिंगरप्रिंट्स को किसी और के फिंगरप्रिंट्स के साथ रिप्लेस करना होगा, सिंपल। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमस ने जल्दी जल्दी प्रेशर में आकर स्मिथ के फिंगरप्रिंट्स को उसके पापा यानी ऑगी के फिंगरप्रिंट्स के साथ रिप्लेस कर दिया। सत्यानाश,
अपार्टमेंट के बाहर खड़ी गाड़ी भी ऑगी के नाम पर ही थी। अगर पुलिस ऑगी के पास जाएगी तो वो सीधा स्मिथ का नाम बता देगा। इकोनॉमस के मंडर को निपटाने अब एडेबायो को मेहनत करनी पड़ेगी। जिस कपल को स्मिथ ने बंदी बनाया था, एडेबायो ने उन्हें जाकर रिश्वत खिलाई। रिश्वत मिलते ही इन्होंने भी पुलिस के आगे ऑगी का नाम आगे कर दिया कि उस रात अपार्टमेंट में ऑगी ने धमाका किया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने ऑगी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। जेल के अंदर ऑगी भैया का अलग ही स्वैग था। जेल में घुसते ही कुछ व्हाइट सुप्रीमिस्ट सपोर्टर्स ऑगी के आगे झुक गए और उसे व्हाइट ड्रैगन के नाम से पुकारने लगे। मन की टास्क फोर्स का मानना था जिस मेटाह्यूमन ने स्मिथ पर हमला किया था वो भी एक बटरफ्लाई होगी। ये सुनते ही स्मिथ फुल कंफ्यूज हो गया। कोई इसे बताने को तैयार नहीं था कि साले ये प्रोजेक्ट बटरफ्लाई है क्या। जो भी हो, लेकिन उस लड़की को कैसे पता चला कि स्मिथ एक बटरफ्लाई हंटर है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बाद स्मिथ की समझ आ गया कि लड़की के घर रेसलिंग खेलने जाते समय वो मिशन की टॉप सीक्रेट फाइल अपने साथ ले गया था। फाइल पढ़ने के बाद से उस लड़की का बिहेवियर चेंज हो गया। वाह भाई, मिशन की टॉप सीक्रेट फाइल को खाने के मेनू की तरह लेकर घूम रहा है सब इधर। स्मिथ के इस निग्लिजेंस को देखकर मर्न ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। अपने किए पर शर्मिंदा होकर स्मिथ घर जाकर रोने लगा कि तभी हमारी मुलाकात विजिलांटे से हुई। स्मिथ के दिमाग को ठंडा करने विजिलांटे उसे टारगेट प्रैक्टिस करने ले गया। बाद में इन दोनों ने उस अपार्टमेंट वाली बंदी लेडी के साथ कुश्ती खेली। यहीं पर स्मिथ को समझ आया कि मेटाह्यूमन के घर से उठाया वो अजीब सा डिवाइस एक्चुअल में एक टाइनी स्पेसशिप है। हारकोर्ट की सलाह मानकर एडेबायो ने उसकी बीवी को सुरक्षित रखने दूसरे घर में शिफ्ट करवा दिया। मर्न की टास्क फोर्स उनके पहले टारगेट को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इनका पहला टारगेट है यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर रॉयलैंड गॉफ। इन्हें पूरा यकीन था कि गॉफ एक बटरफ्लाई है। मर्न को तो ये भी लगता है कि शायद उसकी पूरी फैमिली बटरफ्लाई होगी। अगर ऐसा हुआ तो स्मिथ को गॉफ के साथ साथ उसकी बीवी बच्चों को भी मारना होगा। ये सुनते ही स्मिथ थोड़ा हिचकिचाने लगा। गॉफ तक तो ठीक है, बट बच्चे? ये बोलना जितना आसान है, एक्चुअल में करना उतना ही मुश्किल। मर्न की टीम गॉफ के घर के बाहर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। गॉफ के वहां आते ही स्मिथ स्नाइपर राइफल लेकर सही मौके का इंतजार कर रहा था, बट गॉफ के गार्ड की वजह से स्मिथ को क्लियर शॉट नहीं मिल पाया। स्मिथ का पीछा करते हुए विजिलांटे भी यहां पर पहुंच गया। इसे अपने टीम का हिस्सा बनाने के अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो विजिलांटे भी गॉफ की फैमिली पर नजर रखने लगा। जल्द ही सारे समझ गए कि गॉफ की पूरी फैमिली बटरफ्लाई है, यानी स्मिथ को एक एक करके पूरी फैमिली को मारना होगा। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी स्मिथ गोली नहीं चला पाया। लगता है इसके अंदर अब भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी। स्मिथ की पूरी तरह से फेल होते ही विजिलांटे ने बंदूक ले ली और गॉफ के सामने उसकी फैमिली को उड़ा दिया। इससे पहले कि विजिलांटे गॉफ को भी मार दे, उसके प्राइवेट गार्ड एके जूडो मास्टर ने उन पर हमला कर दिया। फिर गॉफ और जूडो मास्टर स्मिथ और विजिलांटे को बेहोश करके बेसमेंट में पूछताछ करने ले गए। बाहर हारकोट और एडबायो का सामना गॉफ के दूसरे बॉडीगार्ड से हुआ। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी एडबायो बॉडीगार्ड को नहीं मार पाए, तो हारकोट ने उसे मार दिया। अनफॉर्चुनेटली बॉडीगार्ड बटरफ्लाई नहीं था। गॉफ और जूडो मास्टर स्मिथ से इन्फॉर्मेशन उगलवाने विजिलांटे को टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि इन्हें लगता है कि अपने दोस्त को दर में देकर स्मिथ सब कुछ उगल देगा। बट स्मिथ को इस बात से बेल लाइकन फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर विजिलांटे की रियल आइडेंटिटी भी रिवील हो गई, स्मिथ के जानने पहचानने वाला एड्रियन चेस। गॉफ ने विजिलांटे का पिंकी टो तोड़ दिया, बट स्मिथ टस से मस होने को तैयार नहीं था। गॉफ ने जूडो मास्टर को मदद लाने ग्लानटाई भेज दिया, ये नाम याद रखना। ऊपर मर्न की टीम ने किसी तरह बेसमेंट में जाने का दरवाजा ढूंढ लिया, बट एंट्रेंस में अजीब सा मेम्ब्रेन बना था। इस बैरियर को तोड़ने मर्न ने प्रोटोटाइप एक्सप्लोजिव डिवाइस की मदद ली। धमाके में थोड़ा डिले होने की वजह से बाहर खड़े सारे लोग जख्मी हो गए, बट धमाके से निकली शॉक वेव ने स्मिथ को आजाद कर दिया। स्मिथ ने मौका देखकर गॉफ को मार दिया। गॉफ के मरते ही उसकी बॉडी से एक एलियन बटरफ्लाई बाहर निकली, प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। पता नहीं ये एलियन बटरफ्लाईज आखिर चाहते क्या हैं। जो भी हो, इस मैप को देख के साफ हो गया कि इन एलियंस ने दुनिया भर के ह्यूमंस की बॉडी पर कब्जा कर लिया। मे बी ये कोई बड़ा इन्वेजन प्लान कर रहे हो। जूडो मास्टर को भागता देख इकोनॉमस ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया और मार मार कर बेहोश कर दिया। मर्न की टास्क फोर्स बेहोश पड़े जूडो मास्टर को उठाकर अपने अड्डे पर ले गया। स्मिथ ने सबको बताया कि गॉफ को मारने के बाद इसने उसके दिमाग से निकली एलियन बटरफ्लाई को भी मार दिया। पिछले एपिसोड वाले इंसिडेंट के बाद मर्न को स्मिथ की काबिलियत पर थोड़ा डाउट आने लगा था। अमेंडा विलर के कहने पर मर्न ने इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए हायर किया था, और स्मिथ उस एक काम को भी नहीं कर पा रहा। जब तक स्मिथ सही ट्रैक पर नहीं आता, मर्न विजिलांटे को भी इनके ग्रुप का हिस्सा बना के रखेगा,
ताकि कोई तो असासिन ढंग से मिशन को पूरा कर पाए। स्मिथ विजिलेंटी एक चेज के साथ ऑगी के घर चला गया क्योंकि स्मिथ को नए हेलमेट्स की जरूरत थी। यहीं पर हमें चार्ली द गोरिल्ला का भी नाम सुनने को मिला जिसका शायद गोरिल्ला ग्रॉड के साथ कुछ कनेक्शन हो। इस एपिसोड में ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग रेफरेंसेस देखने मिले बट मुझे नहीं लगता कि बैटमैन के विलन्स का इस शो की मेन स्टोरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा, बस फैंस को खुश करने की निंजा टेक्निक। पीसमेकर के पर्सनल मैटर्स में फिर से ना घुसा ने चार्ल्स स्टोरेज रूम के अंदर चलाया जहां हमें ऑगी के व्हाइट ड्रैगन कॉस्ट्यूम की पहली झलक मिली। सारे हेलमेट जमा कर बाहर आते ही ऑगी के पड़ोसी ने स्मिथ को बताया कि उसके पापा फिलहाल जेल में बंद है। ये सुनते ही स्मिथ समझ गया कि मर्न की टीम ने स्मिथ की करतूतों का सारा इल्जाम ऑगी के सर पर डालकर उसे जेल भिजवा दिया। मर्न के मना करने के बावजूद भी स्मिथ चेज के साथ ऑगी से मिलने चला गया। स्मिथ ने ऑगी को बताया कि वो एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रहा था और जल्दबाजी में स्मिथ की टीम ने उसके फिंगरप्रिंट्स ऑगी के साथ बदल दिए। ये सुनते ही ऑगी भड़क गया और स्मिथ से वादा किया कि उसे मौका मिलते ही वो सारा सच पुलिस को बता देगा। ऑगी को स्मिथ या उसके सीक्रेट मिशन से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस जेल से बाहर निकलना था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने मर्न ने एडिबायो को स्मिथ के पीछे भेज दिया। एडिबायो स्मिथ को तो नहीं रोक पाई बट उसने चेस को पट्टी पढ़ाई कि वो ऑगी को मार दे, ये बोलकर कि स्मिथ एक अच्छा इंसान है और जब तक उसके पापा जिंदा है वो स्मिथ को खुश रहने नहीं देंगे। एडिबायो की बातों में आकर चेस ऑगी को मारने खुद भी अरेस्ट हो गया। मर्न जानता था कि ऑगी को मारना चेस के बस की बात नहीं, इससे पहले कि ऑगी को मारने के चक्कर में चेस खुद अपनी जान दे दे इन्हें चेस को जेल से बाहर निकालना होगा। जेल के अंदर चेस ने निहायत ही बैडास अंदाज में ऑगी के साथियों की पिटाई शुरू कर दी बट सीसीटीवी कैमरास के डर से ऑगी ने उस पर हाथ नहीं उठाया। चेस की बातों को सुनकर ऑगी को लगा कि शायद अपने मिशन को बचाने की खातिर स्मिथ उसे मारना चाहता है, यानी इसे जल्द से जल्द सारा सच पुलिस को बताना होगा। फिर मर्न की टीम ने समय रहते चेस को जेल से छुड़वा लिया। हेडक्वार्टर्स वापस लौटते ही स्मिथ को पता चला कि जूडो मास्टर उनकी कैद से आजाद हो गया। स्मिथ और जूडो मास्टर के बीच जबरदस्त राउंड टू चला था। बीच लड़ाई में जूडो मास्टर ने स्मिथ को बताया कि वो बटरफ्लाइज को गलत समझ रहा है पर इससे पहले कि जूडो मास्टर स्मिथ को बटरफ्लाइज के बारे में कुछ और जानकारी दे पाए स्मिथ की जान बचाने की खातिर एडिबायो ने उसे गोली मार दी। जूडो मास्टर मरा नहीं बट बुरी तरह से घायल हो गया। ये उसे फिर से उठाकर अंदर ले गए। स्मिथ घर वापस जाकर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। इधर हमें फाइनली पता चला कि आखिर ऑगी स्मिथ से इतनी नफरत क्यों करता है। स्मिथ का बचपन डार्क ट्रॉमा से भरा पड़ा था। ऑगी इसे जबरदस्ती खून खराबे वाले काम कराता था। शायद ऐसा ही कोई मिशन बैकफायर हो गया और किसी लड़ाई में स्मिथ का भाई मारा गया। बस तब से ऑगी स्मिथ को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। स्मिथ को भी उसका भाई बहुत पसंद था। यह रॉक म्यूजिक और रिकॉर्ड सुनने का शौक भी उसे अपने भाई से ही मिला था। शायद कहीं ना कहीं स्मिथ खुद भी अपने आप को भाई की मौत का जिम्मेदार मानता हो। बाय द वे, स्मिथ ने मन से झूठ कहा कि उसने एलियन बटरफ्लाई को मार दिया। इसने बटरफ्लाई को अपने घर के जार में बंद करके रखा है। सबूतों की छानबीन करते वक्त एडिबायो के हाथ एक बड़ी लीड लगी, ग्लैन टाइप बॉटलिंग कंपनी। एडिबायो ने फौरन कॉल करके ये खबर मर्न को दे दी और इधर आता है एपिसोड 4 का बिग रिवील। मर्न खुद भी एक बटरफ्लाई है और यहां होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5। रात भर अपने भाई की याद में रोने के बाद पीसमेकर ने नए दुख भरे दिन की शुरुआत की। दुनिया में अमन कायम करने के चक्कर में स्मिथ पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। वेल, एटलीस्ट इसके पास ईगली जैसा दोस्त है और देख के लग रहा था कि स्मिथ इस बटरफ्लाई को भी अपना नया दोस्त बनाना चाहता था। इन बटरफ्लाइज का फूड सोर्स इस एपिसोड की कहानी का बड़ा हिस्सा होने वाला है। मर्न सारी टीम को बिठाकर बटरफ्लाइज के ऊपर लेक्चर दे रहा था। इधर स्मिथ ने इकोनॉमस की पावर पॉइंट स्किल्स का बहुत मजाक उड़ाया। वेट, मुझे भी ट्राई करना है। कूल। स्मिथ ऑगी के अरेस्ट को लेकर इकोनॉमस से अब तक नाराज था तो मर्न की बताई जानकारी के हिसाब से बटरफ्लाइज बॉडी के किसी भी एंट्रेंस से अंदर घुसकर अपने शिकार के दिमाग पर कब्जा कर लेते थे और इनका खाना यानी वो स्पेशल लिक्विड अर्थ पर पाए जाने वाले किसी भी मटेरियल से एकदम अलग था। दुनिया भर के हाई प्रोफाइल बिजनेस पर्सन, एथलीट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब बटरफ्लाइज बन चुके थे। अपेरेंटली जब भी किसी ने इन बटरफ्लाइज के खिलाफ ऑफिशियल इंक्वायरी बिठाई तब तब उन हाई लेवल बटरफ्लाइज ने अपने पावर की मदद से सारे केस क्लोज कर दिए। इसीलिए मर्न की टीम एकदम सीक्रेटली इस प्रोजेक्ट बटरफ्लाई को अंजाम दे रहे थे। इवन इन पर खर्चा करने वाला पैसा भी मर्न दूसरे मिशन में जुगाड़ लगाकर इकट्ठा कर रहा था। बट इतने बड़े मिशन को सीक्रेटली हैंडल करने वाली बात मुझे थोड़ी कटक रही है। तो जैसा कि मैंने बताया,
ये बटरफ्लाई सिर्फ इस हरे शहद जैसे दिखने वाली लिक्विड को ही अपनी खुराक बनाते हैं। एडेबायो की रिसर्च से इन्हें ये पता चला कि शायद ये लिक्विड पास के गुआनटाई बॉटल फैक्ट्री में पैक होता होगा। मन ने फौरन सबको गुआनटाई फैक्ट्री की तलाशी लेने भेज दिया। रास्ते में हनोई रॉक्स बैंड को लेकर स्मिथ और इकोनॉमिस्ट के बीच बॉन्डिंग बढ़ने लगी। दूसरी तरफ ऑगी ने सॉन्ग और फिट्स को बताया कि वो बेगुनाह है। स्मिथ की टीम ने सबूतों में छेड़खानी करके ऑगी को फंसाया था। ऑगी के कहने पर सॉन्ग ने उसके फिंगरप्रिंट्स को वापस चेक करने फॉरेंसिक लैब भेज दिया। बट लैब भेजने से पहले सॉन्ग ने खुद फिंगरप्रिंट्स कंपेयर करके ये कंफर्म कर लिया कि ऑगी सच बोल रहा था। पिछले एपिसोड्स वाले उन गवाहों ने भी कबूल कर लिया कि पैसों के लिए उन्होंने पुलिस से झूठ कहा। यानी ना चाहते हुए भी इन्हें ऑगी एके व्हाइट ड्रैगन जैसे रेसिस्ट बंदे को आजाद करना होगा। बटमैन ने ऑलरेडी ऑगी को फंसाने फुल प्लानिंग करके रखी थी। मैन ने उसके पुराने साथी कैस्पर लॉक को सॉन्ग का बॉस यानी नया पुलिस कैप्टन बनाकर ऑगी के केस को निपटा लिया। सॉन्ग के पास पक्के सबूत होने के बावजूद भी वो स्मिथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सॉन्ग समझ गई कि स्मिथ को इंसाफ दिलाने इसे भी टेढ़ा रास्ता आजमाना होगा। लकीली सॉन्ग के अंकल जज थे तो स्मिथ के खिलाफ वारंट बनाने सॉन्ग फिट्स को लेकर जज जूडी से मिलने चली गई। गुआनटाई पहुंचकर मर्न की स्क्वाड दो टीम में डिवाइड हो गई, एडेबायो स्मिथ के साथ और शर्त हारने के बाद बिचारी हारकोर्ट चेस के साथ। चेस के काफी जिद करने के बावजूद भी सबने उसे चेनसॉ लेने से मना किया। चेनसॉ से दुश्मन को मारना बरसों से चेस का सपना था। फैक्ट्री के अंदर घुसते ही स्मिथ ने हेलमेट में लगे एक्सरे विजन को एक्टिवेट कर दिया। इस नए हेलमेट की मदद से स्मिथ दीवारों के पार भी बटरफ्लाइज को डिटेक्ट कर सकता था। स्मिथ बिना कोई वार्निंग दिए धड़ाधड़ एक के बाद एक बटरफ्लाइज को मारने लग गया। ये पूरी की पूरी फैक्ट्री बटरफ्लाइज से भरी पड़ी थी। दूसरी तरफ हारकोट और चेस को बटरफ्लाइज के खाने के हजारों डब्बे मिले। स्टॉक के साइज को देख के लग रहा था कि शायद दुनिया भर के बटरफ्लाइज को यहीं से खाना सप्लाई हो रहा है। बटरफ्लाई से अपनी जान बचाने चेस और हारकोट इस सर्वर रूम में बंद हो गए। देख के लग रहा था कि ये बटरफ्लाइज का कम्युनिकेशन रूम है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए दोनों पर चार्ली द गोरिला ने हमला कर दिया। ये वही गोरिला है जिसे हमने पिछले एपिसोड की न्यूज में देखा था। चार्ली की बॉडी भी एक बटरफ्लाई के कंट्रोल में थी, यानी ये बटरफ्लाइज एनिमल्स की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते थे। स्मिथ ने मॉडिफाइड ग्रेनेड की मदद से रूम के बाहर खड़े बटरफ्लाइज की धज्जियां उड़ा दी। अंदर जाते इनका सामना चार्ली से हुआ। चार्ली अकेला चारों पर भारी पड़ रहा था। यह हमें एक और बात पता चली कि बटरफ्लाई के कंट्रोल में आते ही ये गोरिला भी ह्यूमंस की तरह इंग्लिश बोलने लग गया। इससे पहले कि चार्ली सबका कचूमर बना दे, इकोनॉमस ने चार्ली को चेन सॉ से मार दिया। इकोनॉमस के इस बैडएस अंदाज को देखकर सारे काफी इंप्रेस थे, इंक्लूडिंग पीसमेकर। लेकिन चेस को इकोनॉमस से बहुत जलन हुई क्योंकि चेन सॉ से दुश्मन को मारना तो इसका सपना था। अब सारा क्रेडिट इकोनॉमस खा गया। मिशन को सक्सेसफुली पूरा करके सारे काफी खुश थे। धीरे धीरे अब इनके बीच की भी बॉन्डिंग बढ़ने लगी। हारकोर्ट ने तो तीनों बंदों को अपने स्पेशल रॉक ग्रुप में तक ऐड कर लिया। भाई हारकोर्ट में अचानक से इतना बड़ा चेंज कहां से आ गया? कहीं फैक्ट्री में इसके अंदर भी तो कोई बटरफ्लाई नहीं घुस गई? वेल, मर्न भी अपने स्क्वाड की जीत से बहुत खुश था। इन्होंने बटरफ्लाइज की फूड फैक्ट्री तो उड़ा दी, अब बस इन्हें फूड बनने वाले रॉ मटेरियल के सोर्स का पता लगाना था। बटरफ्लाइज की एक खुराक ही उन्हें हराने में इनकी मदद करेगी। इसी जीत को सेलिब्रेट करने स्मिथ एडेबायो को अपने घर ले गया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद एडेबायो मान गई। स्मिथ के वॉशरूम में जाते ही एडेबायो ने अमांडा विलर से मिले ऑर्डर्स के मुताबिक चुपके से स्मिथ के घर में यह डायरी छुपा दी। पता नहीं इस डायरी में ऐसा क्या था। प्रोजेक्ट बटरफ्लाइज का हिस्सा बनने के बाद से ही एडेबायो और उसके वाइफ के बीच दूरियां बढ़ते जा रही थी। मूड चेंज करने एडेबायो घर जाने के बजाय वापस हेडक्वार्टर्स चली आई। मर्न भी यहां बैठा किसी डिवाइस पर काम कर रहा था। एडेबायो थोड़ा टाइम पास करने पीसमेकर के नए हेलमेट के साथ खेलने लगी। हेलमेट में लगे एक्सरे विजन को एक्टिवेट करते ही एडेबायो ने देखा कि मर्न भी एक बटरफ्लाई है। अपना सीक्रेट बाहर आते ही मर्न ने एडेबायो को धर दबोचा। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6। सो एज एक्सपेक्टेड मर्न ने एडेबायो को नहीं मारा। मर्न और हारकोर्ट एडेबायो को उठाकर अंदर ले गए। यस, हारकोर्ट और इकोनॉमस भी मर्न की सच्चाई जानते थे। गॉफ के घर में हुए उस धमाके के बाद इन दोनों ने भांप लिया था कि मर्न में कुछ तो गड़बड़ है। मर्न ने बिना कुछ छुपाए हारकोर्ट को सारा सच बता दिया। अब एडेबायो की बारी थी। तो बटरफ्लाइज का प्लानेट मर रहा था, इसीलिए अपनी जान बचाने की खातिर कुछ बटरफ्लाई स्पेसशिप में बैठकर अर्थ पर आ गए ताकि वो यहाँ के ह्यूमंस के बीच घुलकर अपनी रेस को एक्सटिंक्ट होने से बचा सके। पहले तो सब कुछ एकदम ठीक चला था, बट बाद में बटरफ्लाइज के लीडर ने डिसाइड किया कि वो अर्थ के पावरफुल इंसानों के अंदर घुसकर दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। वो बटरफ्लाइज की लीडर
गौव की बॉडी में थी। मर्न के अंदर जो बटरफ्लाई है वो इस चीज के सख्त खिलाफ था, इसीलिए दुनिया में अमन कायम करने वो अपनी टीम से अलग हो गया। बटरफ्लाइज की बॉडी में घुसते ही उनके होस्ट मारे जाते थे। मर्न एक बेरहम किलर होने की वजह से ही इस बटरफ्लाई ने मर्न की बॉडी पर कब्जा कर लिया। कोई भले इंसान को मारकर उसकी बॉडी हड़पने की बजाय किसी बुरे इंसान की कुर्बानी सही, इसीलिए मर्न अपने साथ ही बटरफ्लाइज का खात्मा करने के लिए तैयार हो गया। बट अमांडा वालर को अभी तक ये नहीं पता कि मर्न खुद भी एक बटरफ्लाई है, यानी अडेबायो को अपनी मम्मी से यह सीक्रेट छुपाए रखना होगा। इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। गुआंतानामो वाले हमले के बाद अब सारे बटरफ्लाइज चौकन्ना हो गए होंगे। इससे पहले कि वो अपनी गाय को किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर दे, इन्हें जल्द से जल्द उसकी लोकेशन ढूंढनी होगी। तो बटरफ्लाइज को उनका खाना यानी वो एम्बर लिक्विड बनाने का रॉ मटेरियल एक गाय के जरिए मिलता था। पूरी दुनिया में ऐसी बस एक ही गाय थी, तो इन्हें जल्द से जल्द उस गाय को ढूंढना होगा। पीसमेकर उसके हॉस्पिटल में बने दोस्त का फेवर पूरा करने स्कूल गया हुआ था। यहाँ बच्चों से बुरी तरह से रोस्ट होकर और इमोशनल डैमेज सहने के बाद स्मिथ वापस घर चला गया। यहाँ हमें एक और बात पता चली कि बचपन में स्मिथ ने एक्सीडेंटली उसके भाई को मारा था। स्मिथ के घर पहुंचकर चेस ने देखा कि इसने गॉफ के अंदर वाली बटरफ्लाई को अभी तक जिंदा रखा है। दोनों से टेंशन मिलते ही उस बटरफ्लाई ने जार के ऊपर पीस का साइन बनाया, इंडिकेटिंग कि बटरफ्लाई इन दोनों से कुछ बात करना चाहती थी। स्मिथ और चेस ने यस एंड नो वाला गेम बनाकर बटरफ्लाई से बात करने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। दूसरी तरफ सॉन्ग ने अपने चाचा की सेटिंग लगाकर स्मिथ के खिलाफ अरेस्ट वारंट बनाया और ऑगी को रिहा कर दिया। घर जाकर थोड़ा रिलैक्स होने के बाद ऑगी ने कुछ व्हाइट सुप्रीमेस सपोर्टर्स को जमा करके व्हाइट ड्रैगन का कॉस्ट्यूम पहन लिया, ताकि अपने बेटे पीस मेकर को मारकर हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लें। सॉन्ग पुलिस फोर्स लेकर स्मिथ को पकड़ने चली गई। लॉग से खबर मिलते ही मर्न ने किसी तरह स्मिथ तक वार्निंग पहुंचा दी, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस ने स्मिथ के ट्रेलर को तीनों तरफ से घेर लिया था, यानी पीछे जंगल वाला रास्ता एकदम खाली था। स्मिथ, चेस और ईगली ट्रेलर के ऊपर बने एग्जिट से बाहर निकल गए। भागने में थोड़ी आसानी हो, इसीलिए चेस ने बटरफ्लाई के जार को टेप से बेल्ट पर बांध लिया। ऊपर झाड़ियों में हलचल देखकर सॉन्ग ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को पीछे जंगल में भेज दिया। इसी दौरान चेस पेड़ से नीचे गिरकर सॉन्ग के सामने आ गया। क्रैश लैंडिंग के दौरान बटरफ्लाई का जार फूट गया। फिर बटरफ्लाइज की लीडर सीधा जाकर सॉन्ग के बॉडी में घुस गई। कैप्टन लॉक ने बेरहमी से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मारकर इन दोनों की वहां से भागने में मदद की। स्मिथ के घर की तलाशी लेते वक्त पुलिस को पीस मेकर की डायरी मिली, वही डायरी जो अडेबायो ने यहाँ छुपाई थी। कैप्टन लॉक ने फौरन डायरी को अपने कब्जे में लेकर मर्न को इसकी खबर कर दी। डायरी का टॉपिक निकलते ही अडेबायो का रिएक्शन देखकर मर्न समझ गया कि शायद इसके पीछे अडेबायो का हाथ होगा। बट तभी वहां स्मिथ आ गया। स्मिथ ऐसे किसी डायरी के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर स्मिथ ने सबको बताया कि गॉफ बटरफ्लाई ने सॉन्ग की बॉडी पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर मर्न काफी गुस्सा था। पहले तो स्मिथ ने सबसे झूठ कहा कि उसने बटरफ्लाई को मार दिया था, और अब बटरफ्लाई की लीडर फिर से आजाद होकर दुनिया पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रही होगी। तभी इकोनॉमिस ने इन्हें बताया कि शायद उसने गाय की लोकेशन ढूंढ ली। पूरे टीम में बस स्मिथ और चेस को छोड़कर बाकी सारे बटरफ्लाइज के बारे में सब कुछ जानते थे। स्मिथ ये देखकर काफी नाराज था कि उसके टीम मेंबर्स उससे बातें छुपा रहे थे, इवन अडेबायो भी, जिसे वो अपना दोस्त मानता था। उस सब के लिए अब टाइम नहीं बचा, इन्हें फटाफट गाय को ढूंढकर ठिकाने लगाना होगा, ताकि ये बटरफ्लाइज के मेन फूड सोर्स को ही खत्म कर सके। अडेबायो से अब यह नए जॉब का प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था। अगर इसने वॉलर को सच बता दिया तो वो अपनी टीम को धोखा देगी, और सच छुपाए रखा तो अपनी मम्मी को धोखा देगी। अडेबायो की बीवी को लगता है कि इसे ये जॉब छोड़ देना चाहिए, पैसों का इंतजाम वो कहीं से भी कर लेंगे। होश में आते ही बटरफ्लाई सॉन्ग सीधा पुलिस स्टेशन चली गई और यहाँ के कंप्यूटर को मॉडिफाई करके बाकी बटरफ्लाइज को मैसेज भेजकर मिलने के लिए बुलवाया। फिर सॉन्ग का ये बिहेवियर देखकर काफी कंफ्यूज था। बटरफ्लाई सॉन्ग ढेर सारे बटरफ्लाइज को जमा करके एवरग्रीन पुलिस स्टेशन में घुस गई। फिर ये बटरफ्लाइज एक एक करके सारे पुलिस और कैदियों की बॉडी में घुस गए, और इस तरह से बटरफ्लाई सॉन्ग को उसकी नई गैंग मिल गई। उधर स्मिथ ने हार्कोर्ट के आगे कन्फेस किया कि शायद वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाले जॉब से बाहर निकलना चाहता है, बट इसे एलियन बटरफ्लाइज को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मिथ का ये ऑनेस्ट रूप देखकर हार्कोर्ट ने फाइनली उसे अपना फर्स्ट नेम बता दिया, एमिलिया, इंडिकेटिंग कि धीरे धीरे ये पीस मेकर पर भरोसा करने लग गई। हार्कोर्ट के जाते स्मिथ मूड चेंज करने पियानो बजा रहा था कि तभी चेस ने उसे न्यूज देखने को कहा। लाइव टीवी पर बटरफ्लाई लॉक ने दुनिया को पीसमेकर की डायरी के बारे में बताया। डायरी में लिखे नोट से यह साबित हो रहा था
कि पीस मेकर एलियन वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखकर पगला गया। इवन आज भी कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया के कुछ बड़े पावरफुल लोग एलियंस हैं, यानी दुनिया को एलियंस चला रहे हैं। तो पीस मेकर ने इन थ्योरीज के झांसे में आकर सेनेटर गॉफ की फैमिली और ग्लांटाइन में काम कर रहे ढेर सारे लोगों को एलियन बटरफ्लाई समझकर मार दिया। न्यूज पर कैप्टन लॉक ने पीस मेकर को मास मर्डरर घोषित करके उसका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। अपने पापा और उसके सर फिरे दोस्तों को खुश करने के चक्कर में ही स्मिथ ने उसके भाई के साथ लड़ाई की थी, और इसी लड़ाई के दौरान स्मिथ ने एक्सीडेंटली उसके भाई को मार दिया। टीवी पर ऑफिशियली साइको घोषित किए जाने के बाद अब स्मिथ भी अपने आप को नाकारा या लूजर समझ रहा था। सारी लोकल पुलिस अब पीस मेकर के पीछे पड़ गई थी। वैसे भी स्मिथ के पास खोने को कुछ नहीं, तो उसने सोचा चलो एटलीस्ट काउ को मारकर बटरफ्लाइज को हराया जाए। फिर स्मिथ अपने स्पेयर हेलमेट्स उठाकर चेस और ईगली के साथ काउ की तलाश में निकल पड़ा। ना चाहते हुए इकोनॉमस भी इनके साथ चल दिया। स्मिथ को पूरा यकीन था कि वो डायरी इसके कैबिन में अडबायो नहीं छुपाई होगी। हारकोर्ट ने भी भांप लिया था कि डायरी वाले काम के पीछे अडबायो का हाथ था, पर अडबायो ने इसे किसी तरह समझाया कि उसकी मम्मी यानी अमांडा वॉलर ने इससे जबरदस्ती ये काम करवाया था। पिछला जॉब छूटने के बाद अडबायो को नए काम की जरूरत थी, इसीलिए सिर्फ पैसों के खातिर मजबूरी में अडबायो ने वॉलर का ऑफर एक्सेप्ट किया था। अमांडा वॉलर की मम्मी वाली बात सुनकर हारकोर्ट को डबल झटका लगा कि तभी वहां मन आ गया। मन ने ऑलरेडी अडबायो का बैकग्राउंड चेक करके पता लगा लिया था कि यह वॉलर की बेटी है, और पिछले एपिसोड में अडबायो का रिएक्शन देखकर इसे कंफर्म हो गया कि वो डायरी भी अडबायो ने ही प्लान की होगी। बट अब वो सब सोचने का टाइम नहीं था। लॉक ने पलटी मार ली, यानी बाकी सारे पुलिस भी बटरफ्लाइज बन गए होंगे। लॉक ऑलरेडी एक बार मर्न के एड्रेस पर आ चुका था, और बटरफ्लाइज उनके होस्ट के मेमोरीज एक्सेस कर सकते हैं, यानी इन्हें जल्द से जल्द बोझा बिस्तर बांधकर यहां से निकलना होगा। बटरफ्लाई पुलिस किसी भी वक्त इनके दरवाजे पर आती होगी। हारकोर्ट और अडबायो तो समय रहते निकल गए, बट मर्न को बटरफ्लाइज ने पकड़ लिया। बटरफ्लाइज के लीडर ने गद्दार मर्न और उसके अंदर के बटरफ्लाई को मार दिया। मरने से पहले मर्न ने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए हारकोर्ट और अडबायो को किसी भी कीमत पर काउ को मारने का ऑर्डर दिया। पुलिस के वहां से जाते ही हारकोर्ट और अडबायो ने अंदर जाकर मर्न को फाइनल गुड बाय बोला कि तभी इन पर जूडो मास्टर ने हमला कर दिया। यप, ये फिर से एक बार स्क्वाड की कैद से आजाद हो गया। हारकोर्ट इधर फुल ऑन एटॉमिक ब्लॉन्ड मोड में चली गई। फिर अडबायो ने जूडो मास्टर को टेजर से बेहोश कर दिया। यप, ये फिर से एक बार इनकी कैद में आ गया। ऑगी और उसकी गैंग स्मिथ को मारने चले गए। पीसमेकर के हेलमेट्स को ट्रैक करते हुए ऑगी ने उनके ट्रक पर हमला कर दिया। व्हाइट ड्रैगन के आर्मर में लगे वेपन्स सब पर भारी पड़ रहे थे, बट चेस ने आर्मर के कमजोर हिस्से पर हमला करके सारे वेपन्स डिसेबल कर दिए। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इकोनॉमस ने ऑगी की पूरी गैंग को गोलियों से भून डाला। यानी अब स्मिथ और ऑगी को आपस में लड़कर अपना पर्सनल मैटर सुलझाना होगा। स्मिथ इमोशंस में पूरी तरह से कंट्रोल खोकर ऑगी को पीटने लग गया। ना ही अपने रेसिस्ट बाप की बातें सुनता और ना ही उसका भाई मारा जाता। बट ऑगी कहां सुधरने वाला था। स्मिथ को समझाने के बजाय उल्टा वो उसे और ताने मारने लगा। लड़ाई के दौरान ऑगी ने ईगली को तक जख्मी कर दिया था। ऑगी को लगता है कि आज भी स्मिथ उसके कंट्रोल में था। इसके अंदर अपने बाप पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं। ये सुनते ही स्मिथ ने ऑगी का भेजा उड़ा दिया। Oddly satisfying scene था ये। ऑगी को मारने के बाद स्मिथ फूट फूट कर रोने लग गया। चेस और इकोनॉमस स्मिथ के साथ ईगली का इलाज करने वेट हॉस्पिटल चले गए। ईगली की मरम पट्टी पूरी होने के बाद चेस वेट और नर्सेस को मारना चाहता था, क्योंकि इन्होंने उनके चेहरे देख लिए। बट समय रहते हारकोर्ट ने इसे रोक लिया, इंडिकेटिंग कि हारकोर्ट अब थोड़ी सॉफ्ट कोर्ट बन गई है। पिछली बार इसने बिना कुछ सोचे समझे गॉफ के सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया था। एडवायो के साथ रहते रहते इसे भी ह्यूमन लाइफ की कदर समझ आ गई। स्मिथ बेहोश पड़े ईगली के पास बैठा ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था। ऊपर वाले ने इसकी सुन ली और ईगली को होश आ गया। होश में आते ही ईगली ने स्मिथ को गले लगा लिया। एडवायो ये सब देखकर काफी हैरान थी। इस चमत्कार को देखने के बाद एडवायो ने जॉब छोड़ने का डिसीजन बदल लिया और वापिस अंदर चली गई। मिशन पूरा होने तक ये कहीं नहीं जा रही। वो सब तो ठीक है, बट मर्न के बिना ये काउ को कैसे मारेंगे। इन्हें अब एक नए लीडर की जरूरत थी, तो सबने फैसला किया कि हारकोर्ट इस मिशन को लीड करेगी।
नौकाओं के बिना बटरफ्लाइज बस कुछ हफ्तों तक ही जिंदा रह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बटरफ्लाइज को भी अब इनके इस मिशन के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि बटरफ्लाइज काऊ को किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर दें, इन्हें काऊ को मारकर मिशन पूरा करना होगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होने वाला। सॉन्ग पूरी गैंग को लेकर काऊ के अड्डे पर चली गई। एंड सीन में हमें बटरफ्लाइज की इस खूबसूरत काऊ की झलक भी देखने मिली। बटरफ्लाइज काऊ को किसी दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। और यहां होता है एपिसोड 7 खत्म। बाय द वे, स्मिथ एडेबायो से अब भी नाराज था एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। सारे फुल ऑन काऊ को मारने के मूड में थे। रास्ते में एडेबायो ने फिर से स्मिथ से माफी मांगने की कोशिश की, बट अगेन कोई फायदा नहीं था। लोकेशन पर पहुंचते ही एडेबायो ने उसकी मम्मी को कॉल करके बैकअप की रिक्वेस्ट की। इतने सारे बटरफ्लाई से लड़ने के लिए इन्हें जस्टिस लीग की जरूरत थी, बट इनके पास वेट करने का टाइम नहीं था। बटरफ्लाइज किसी भी वक्त काऊ को टेलीपोर्ट करते होंगे। फिर ये डिसाइड हुआ कि ये लोग पीसमेकर के हेलमेट्स की मदद से बांध के अंदर घुसेंगे। प्लान काफी सिंपल था। एडेबायो सोनिक बूम हेलमेट के अंदर वॉकी टॉकी चिपका देगी, फिर पीसमेकर एंटी ग्रेविटी हेलमेट पहनकर सोनिक बूम हेलमेट को बांध के ऊपर रख देगा। एडेबायो दूर से ही वॉकी टॉकी के जरिए सोनिक बूम हेलमेट को एक्टिवेट करके बांध की धज्जियां उड़ा देगी। शायद वो काऊ भी मलबे के अंदर दबकर मर जाए। अनफॉर्चुनेटली इसी प्लान के ब्रीफिंग के दौरान एडेबायो ने एक्सीडेंटली एंटी ग्रेविटी हेलमेट को एक्टिवेट करके हवा में उड़ा दिया। यानी अब सोनिक हेलमेट को बांध की छत पर गिराने इन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। स्मिथ को पूरा यकीन था कि ईगली ये काम कर लेगा। शुरुआत में तो बाकी सबको भी ऐसा ही लगा, बट ईगली ने हेलमेट छत की बजाय जंगल में कहीं गिरा दिया। सत्यानाश, अगर काऊ को मारना है तो पहले इन्हें जंगल में जाकर हेलमेट को ढूंढना होगा। उस हेलमेट को ढूंढते वक्त स्मिथ को ऑगी की विजन आने लगे। स्मिथ ऑगी को मार तो सकता है, बट उसके विचारों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। स्मिथ को ऐसे अकेले बड़बड़ता देख हारकोर्ट फुल कंफ्यूज हो गई, बट तभी इसकी नजर पास पड़े हेलमेट पर गिरी। चलो हेलमेट तो मिल गया, अब किसी एक टीम मेंबर को भेज बदलकर इस हेलमेट को बांध के अंदर पहुंचाना होगा। स्मिथ ने एक हैवी बटरफ्लाई को मारकर उसके कपड़े इकोनॉमस को पहना दिए। थोड़ा ही हिचकिचाने के बाद इकोनॉमस इस मिशन को पूरा करने के लिए मान गया। बटरफ्लाइज को चकमा देकर इकोनॉमस किसी तरह बांध के अंदर पहुंच गया। बाहर से हारकोर्ट और टीम उसे गाइड कर रही थी। हारकोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए इकोनॉमस हेलमेट लेकर सीढ़ियों से नीचे चला गया। बटरफ्लाइज की जायंट काऊ को देखकर इकोनॉमस ने हेलमेट सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया और डर के मारे बाहर आ गया। इकोनॉमस के अजीब से बर्ताव को देखकर बटरफ्लाई फिट्स ने उसे रोक लिया। इकोनॉमस ने फिट्स को अपने दाढ़ी के कलर वाली इमोशनल सैड स्टोरी सुनाकर घुमा लिया था, बट तभी एक बटरफ्लाई को सीढ़ियों पर रखा पीस मेकर का हेलमेट मिला। यानी इकोनॉमस का भांडा फूट गया। इकोनॉमस को बचाने स्मिथ, हारकोर्ट और चेस ने बटरफ्लाइज पर हमला कर दिया। एडेबायो ने वॉकी टॉकी से सोनिक हेलमेट एक्टिवेट करके बांध में धमाके शुरू कर दिए। स्मिथ सॉन्ग के पीछे उस काऊ को मारने नीचे चला गया। ऊपर चली लड़ाई में इकोनॉमस तो बच गया, लेकिन चेस और हारकोर्ट बुरी तरह से घायल हो गए। एक बटरफ्लाई जख्मी हारकोर्ट की बॉडी में घुसने ही वाली थी। अपनी टीम को परेशानी में देखकर एडेबायो भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गई। इसने धड़ाधड़ कुछ बटरफ्लाइज को मारकर हारकोर्ट को बचा लिया। इकोनॉमस को भी मदद करनी थी, बट एक्साइटमेंट में बेचारे का पैर टूट गया। इकोनॉमस ने रेंगते हुए पीसमेकर का टॉर्पीडो हेलमेट एडेबायो के हवाले कर दिया। हारकोर्ट के कहने पर एडेबायो हेलमेट पहनकर स्मिथ की मदद करने नीचे चली गई। काऊ को मारने के चक्कर में स्मिथ खुद भी बांध के मलबे में फंसा था। एडेबायो के पहुंचने से पहले सॉन्ग ने स्मिथ को मलबे से बाहर निकाला और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। थोड़ा हाथापाई करने के बाद सॉन्ग ने लड़ाई रोक दी और स्मिथ को काऊ से मिलवाने ले गई। स्मिथ के साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद बटरफ्लाइज की लीडर समझ गई थी कि वो एक अच्छा इंसान है। ये चाहती है कि काऊ को मारने से पहले स्मिथ बटरफ्लाइज का असली सच जान ले, वही सच जिसे सुनने के बाद जूडो मास्टर इनके साइड हो गया था। बटरफ्लाइज का होम प्लैनेट पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्बाद हो गया था। अर्थ के हैबिटेबल इन्वायरमेंट की वजह से बटरफ्लाइज ने हमारे प्लैनेट को चूज किया, लेकिन यहाँ आने पर इन्हें पता चला कि ह्यूमंस भी पैसे और प्रॉफिट के चक्कर में पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस कुछ सालों में अर्थ की भी बैंड बच जाएगी। इसीलिए सारे बटरफ्लाइज ने कसम खाई थी कि वो दुनिया भर के पावरफुल ह्यूमंस की बॉडी पर कब्जा करके अर्थ को तबाह होने से बचा लेंगे। यानी ये बटरफ्लाइज ह्यूमंस पर राज करके अर्थ पर एहसान कर रहे थे।
सॉन्ग चाहती है कि स्मिथ इनके साथ मिलकर काऊ को टेलीपोर्ट करने में इनकी मदद करे। अपने भाई की मौत के बाद स्मिथ ने भी कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दुनिया में अमन कायम करके रहेगा, पीस मेकर। तो इस हिसाब से बटरफ्लाइज की मदद करके स्मिथ इनडायरेक्टली दुनिया को बचा ही रहा था। बटरफ्लाइज की लीडर जार पर पीस का निशान बनाकर स्मिथ को यही समझाने की कोशिश कर रही थी। स्मिथ ऑलरेडी पीस मेकिंग के चक्कर में कुछ बड़े कांड कर चुका था, जैसे कि रिक फ्लैग को मारना। थोड़ा सोच विचार करने के बाद स्मिथ ने टॉर्पीडो हेलमेट एक्टिवेट करके एडबायो को काऊ की बॉडी में घुसा दिया और सॉन्ग को गोली मार दी, सर पर नहीं छाती में, ताकि उसके अंदर की बटरफ्लाई जिंदा बच सके, इंडिकेटिंग कि पीस मेकर अब पूरी तरह से बदल चुका है। बेचारी काऊ को मारने के बाद स्मिथ और एडबायो बाहर चले आए। चेस और इकोनॉमस तो ठीक ठाक हालत में थे, लेकिन हारकोर्ट बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। स्मिथ हारकोर्ट को उठाकर वैन की ओर ले जाने लगा कि तभी वहां पर जस्टिस लीग आ गए। यप, सुपरमैन, एक्वामैन, वंडर वुमन और फ्लैश। बट इन्हें यहाँ आने में काफी देर हो गई। जस्टिस लीग को बिना कोई भाव दिए सारे वहां से चले गए। चारों में सिर्फ फ्लैश और एक्वामैन का चेहरा ही साफ दिख रहा था, क्योंकि इनके मूवीज जो आने वाले हैं इन सीरीज प्रमोशन। टू बी ऑनेस्ट, इस कैमियो से ज्यादा एक्साइटेड तो मैं ग्रीन एरो का नाम सुनकर था। होपफुली ग्रीन एरो भी DCCU का ऑफिशियल पार्ट बन जाए, एक्सटेंडेड यूनिवर्स का तो है ही। तीनों जख्मी मेंबर्स को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद स्मिथ ने फाइनली एडबायो को माफ कर दिया। इतना ही नहीं, स्मिथ ने इसे बताया कि ईगली के बाद एडबायो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, बस ये बात चेस को मत बताना। मिशन पूरा होने के बाद एडबायो ने मीडिया के सामने आर्गस का पूरा चिट्ठा खोल दिया कि कैसे उसकी मम्मी यानी अमांडा वॉलर कुछ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के साथ मिलकर सीक्रेट मिशंस को अंजाम दे रही थी। इसने पीसमेकर की डायरी को फेक घोषित करके स्मिथ और चेस का नाम भी क्लियर कर दिया। आर्गस की बैंड बजाकर एडबायो उसकी बीवी से मिलने चली गई। इकोनॉमस बेलरियू में उसकी पुरानी जॉब पर वापस चला गया। सारे बटरफ्लाई साथियों को खोने के बाद जूडो मास्टर फूट फूट कर रोने लग गया। धीरे धीरे हारकोर्ट की इंजुरीज भी रिकवर होने लगे। एंड सीन में हमने देखा कि बटरफ्लाइज की लीडर आखिरी बार स्मिथ से मिलने चली गई। आखिरी बार, क्योंकि काऊ के मरने के बाद इसे खाना कहां से मिलेगा। स्मिथ, ईगली और बटरफ्लाई ट्रेलर के बाहर बैठे धूप सेक रहे थे कि तभी वहां पर ऑगी आ गया। यानी स्मिथ को अब भी ऑगी के हेलुसिनेशंस आ रहे थे। और यहां होता है एपिसोड 8 खत्म। डोंट वरी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पीसमेकर ऑफिशियली सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया गया है और होपफुली सीजन 2 के भी सारे एपिसोड्स जेम्स गन ही लिखेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट 1।